सुंदरनगर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल के कर कमलों द्वारा वीडियो ऑफिस के सभागार में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया। सुंदरनगर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल के कर कमलों द्वारा आज वीडियो ऑफिस के सभागार में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया। इस विश्राम गृह के बनने से दूर दराज से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि को ठहरने की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि जयराम सरकार का सपना हर गरीब परिवार को योजनाओं का लाभ देना और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस मौके पर गृहिणी सुविधा के तहत गरीब परिवार की गृहिणियों को मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए। आज यहां सुंदरनगर में हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की बड़े लंबे समय से मांग थी कि हमारा अपना एक रेस्ट हाउस होना चाहिए। ये मांग हमने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समक्ष रखी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और आज यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का अपना एक रेस्ट हाउस जिसका विधिवत आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। हमारे प्रतिनिधियों का मानना था कि हमें भी कई बार यहाँ पंचायत के विभिन्न कार्यों को लेकर दूर दराज की पंचायतों से जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनको रहने के लिए रुकने के लिए दिक्कत आती थी। इस रेस्ट हाउस के बनने से हमारे उन प्रतिनिधियों की इस दिक्कत का समाधान हो जाएगा और उसके साथ साथ आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई गई हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना उसके अंतर्गत सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की हमारी माताओं बहनों को आज मुफ्त गैस के कनेक्शन भी आज दिए गए। क्योंकि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की ये सोच है कि गांव में रहने वाले हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें जिनके पास अपनी गैस नहीं है उनको मुफ्त गैस कनेक्शन गैस का चूल्हा वो हिमाचल प्रदेश में मुफ्त दिया जा रहा है। उसी के कार्यक्रम के तहत आज हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर मुफ्त गैस के कनेक्शन भी आ जाने तिथि वहाँ डहर के शीतला माता मंदिर के हॉल में वहाँ पर मनाई जा रही है और वहाँ पार्टी के हम सब कार्यकर्ता अटल जी की जो अटल जी का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पार्टी के आधार को बढ़ाने के लिए इस देश के विकास के लिए बहुत सराहनीय कार्य जो है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।